अयोध्या के सदर तहसील के कुढ़ा केशवपुर में निर्माणाधीन भवन को गिराने के मामले ने तूल पकड़ता जा रहा है। सपा के पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन ने भाजपा सरकार पर लगाया ब्राह्मणों के उत्पीड़न का आरोप। पवन पांडे का आरोप है कि ढाई महीने से चल रहा था निर्माण, तो क्यों नहीं प्रशासन रोकने गया। ब्राह्मण परिवारों की खून पसीने की कमाई पर जिला प्रशासन ने चलाया बुलडोजर। योगी सरकार जानबूझकर ब्राह्मण समाज का उत्पीड़न कर रही है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ कार्रवाई के खिलाफ खड़ी हो गई है। तहसील से जुड़े एक कागज को दिखाते हुए पूर्व मंत्री ने कार्रवाई को गलत साबित किया है। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन का कहना है कि किसानों के दामन के तहत बिना नोटिस के कई घरों को जमींदोज कर दिया गया है। अब जनता बुलडोजर आपके ऊपर चलेगा। प्रशासन ने गुंडों व अपराधियों के जैसा आचरण किया है। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री पवन पांडे का कहना है कि तीन दिन पहले बिना किसी सूचना व जानकारी के प्रशासन ने 4 से 5 मकान गिरा दिया, जबकि इन मकानों का लिंटर पड़ चुके थे। 2 महीने मकान का निर्माण हो रहा था। अगर कोई आपत्ति थी तो पहले प्रशासनिक अधिकारी कहाँ थे। तहसील के कागज के अनुसार यहाँ पर खंडहर, महुआ का पेड़ और अन्य चीजें दर्ज है। इनके परिवार कई पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं। उन्होंने एसडीएम पर भ्रष्टाचार में होने का आरोप लगाते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसमें हम लोग सर, हम अपने जब से पैदा हुआ हूँ हमने अपने पूर्वजों से भी सुना है, 2-3 पीढ़ियों से हम लोग वहाँ पे रह रहे हैं। हमारी वो पैतृक संपत्ति है। उसको बाद में जो है ये लोग बता रहे हैं, एसडीएम साहिबा आई थी, अधिकारी लोग बता रहे हैं कि इसको बाद में तालाब घोषित कर दिया गया। हम लोगों की वहाँ कई पीढ़ियों से हम लोग वहाँ पे निवास कर रहे हैं, हमारा घर है। हमारे पास इसकी सिविल कोर्ट की डिग्री भी है जो कि 1981 की है वहाँ की आबादी की। तो हमने उसको दिखाया, कोई कुछ सुनने को नहीं तैयार था। हमें अचानक पता चला कि एसडीएम साहिबा जो है अपना पूरा दलबल लेकर के, जेसीबी लेकर के उसको गिराने के लिए आ गई है, जो कि निर्माण कार्य चल रहा था 2-2.5 महीने से। तब तक किसी ने ना कोई नोटिस कोई लिखा पड़ी, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। उन्होंने डायरेक्ट आ करके बिल्कुल दबंगई से ला करके सभी अधिकारियों को कह दिया ये तालाब नंबर का निर्माण है और अचानक गिराने लगी। हम लोगों ने पूछा आपने कोई नोटिस या हमें 24 घंटे का मोहलत दी है, हम लोग अपना पक्ष रखने का। कोई सर आज तक हम लोगों को कोई एक पर्ची तक नहीं आई है, ना तो कभी जो है मतलब इस तरीके की कोई हमें अंदेशा था इसका। उन्होंने अचानक ला करके ये काम किया, हम लोगों का पक्ष बिना सुने एक पक्षी बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई करते हुए जो भी नए निर्माण थे सर उनमें हम लोगों की आजीवन भर की जो है कमाई हम लोग लगाते हैं घर में। आज के समय महंगाई ऐसी है, उनको छोटे छोटे बच्चों जो है महिलाओं तक का जो है काम नहीं आया, सब रोते गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन इनको किसी प्रकार का इनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। हम लोग मैं स्वयं जो है कागज लेकर के इनके पीछे पीछे दौड़ता रहा, लेकिन उन्होंने कहा कि आपको जो करना है आप आगे करिए। तो सर हम लोग जो है बहुत निराश हैं इस प्रशासन व्यवस्था से। सर हम लोग शिकायत कहाँ करने जाएँ, इसके लिए हम लोग जो लीगल बनता है वो करेंगे, शिकायत क्या करें सर। हम लोग तो पीड़ित हैं, जो रास्ता जो कोई हमारे जनपद अयोध्या में, अयोध्या विधानसभा में ग्राम सभा कुढ़ा केशवपुर में योगी आदित्यनाथ की सरकार में परसों 4-5 ब्राह्मण समाज के लोगों का मकान गिरा दिया गया। गांव के वालों के लोगों का आरोप है, ये जो लोग बैठे हैं इनका ये आरोप है कि बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी नोटिस के एसडीएम सदर ज्योति सिंह आई और उन्होंने तुरंत बुलडोजर से जेसीबी मशीन से हमारे मकानों को गिरवा दिया। गांव के लोगों का यह आरोप है कि हमारा मकान 2-2.5 महीने से बन रहा था। अगर हमारा मकान गलत था तो 2-2.5 महीने से लेखपाल, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एसडीएम महोदय कहां थी? अगर हम गलत थे तो हमको सूचना देना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था, लिखा पढ़ी में हमारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन हमारे खिलाफ ना कोई नोटिस जारी की गई, ना हमें कोई सूचना दी गई और हमारी पुश्तैनी जमीन पर जो बाप दादा की जमीन है, जो हमारे जहां पर सरिया है, जहां पर हमारा खेत खलियान है, हमारे पेड़ पौधे हैं, हम वहां पर अपने मकान का निर्माण करा रहे थे और योगी आदित्यनाथ सरकार के अधिकारियों ने आकर बर्बरता पूर्वक उस मकान को गिरा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ सरकार का रवैया बहुत ही बर्बरता पूर्वक है। किसानों को, गांव के रहने वाले लोगों को परेशान मत करिए, उनके साथ न्याय करिए।
और मैं डीएम फैजाबाद से कहना चाहता हूं कि इसमें जिलाधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, लेखपाल, इनके संलिप्तता की जांच होनी चाहिए, इनके भूमिका की भी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरह से एक एक पैसे को जोड़ करके इन गांव के लोगों ने अपने मकान को खड़ा किया, लिंटर तक पड़ गया था, 2.5 महीने से काम चल रहा था, आज उसका हर्जाना कौन देगा? इनका जो पैसे का नुकसान हुआ उसका भरपाई कौन करेगा? जो इनको मानसिक कष्ट हुआ उसका हर्जाना कौन देगा? जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? केवल उत्तर प्रदेश की सरकार इस समय जुल्म और अत्याचार कर रही है, गरीबों को, किसानों को परेशान करने का काम कर रही है। और मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि जुल्म अत्याचार करना बंद करिए, न्याय करिए, और इन 5 परिवारों के साथ जिनका मकान गिराया गया है इनके साथ भी न्याय करने का काम करिए।